अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। छोटे मियाँ गोट फार्म पे हम लोग, और ये सेकंड वीडियो है। हमजा भाई है, वकी भाई है साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो ये वीडियो में हम लोग ये तीन दो बकरे एक मेंढा देखेंगे। अपन 48 हाइट का एक मेंढा दिखाएंगे आसिम भाई। ये अपने यहाँ तैयार हुआ है वकी भाई? 48 की हाइट है। क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो लग रहा है 37-38 की हाइट पे होगा। नहीं नहीं, अपने सामने 38 की हाइट है, बेंटम के सामने 48 की हाइट। बराबर, बहुत जबरदस्त चीज है। 100 किलो का होएगा भाई ये 100 केजी है आसिम भाई। और ये अपने यहाँ तैयार हुआ है? तैयार हुआ है। ये वही मेंढा है जो हमने शूट कर चुके हैं। हाँ, ये रमजान के अपन ने 4-5 दिन पहले शूट किया था आसिम भाई इसको। क्या वेट पे था जब ये 73-74 केजी पे था? तो इसने लगभग 1.5 महीने में, 2 महीना पकड़ो आसिम भाई, 2 महीने में इसने लगभग बहुत अच्छा वेट गेन कर लिया। 26-27 केजी गेन किया आसिम। कैसे ऐसा कैसे हुआ? मतलब क्या टूटा हुआ आया था आसिम भाई? तो वैसे फीड नॉर्मली चला है आपने? नॉर्मल फीड अच्छी है अपनी। अभी अपन ने थोड़ा और भी दूसरी चीजें भी चालू की है, एक मसाला चालू किया मौलाना का, बाकी अपना सेंटीमेंट फोर्ट चालू है, इलेक्ट्रिक मिक्सर चालू है दूसरे भी। तो ये मेंढे इतना वेट गेन करते है भाई, अगर इसको पालेंगे तो और क्या वेट तक जाएगा? जाने वाला आसिम भाई, ये अगर ये अभी आठवां दाद आसिम भाई फ्रेश किया है जी, आठवां दाद फ्रेश किया है, पुराना नहीं है, घसीला दाद नहीं है, नए दाँत है। नए दाँत आप तो पल्टी कर दे आसिम भाई तो मेरा 150 किलो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी आप इसको सेल करना चाह रहे हो कि रखोगे आप? ये तो आसिम भाई कोई लेगा तो अपन सेल कर दे। क्या मांग रहे इसके आप? इसके आसिम भाई अपन मांग रहे 60,000। 60,000 रुपए? 60,000 रुपीज मांग रहे आप माशाल्लाह। अभी जगह है या नहीं है? ऐसा नहीं है, फुल जगह है, देखो चेहरा वगैरह भी काफी अच्छा है। 60,000 रुपए? बराबर, और अच्छा चेहरा था इसका। सही है। तो ये पहला मेंढा दिखा दिए, अभी ये ब्रीडर बकरा दिखा देते हैं। छोड़ो एक बार, बहुत खतरनाक वाला मार मारता है आसिम भाई। छोड़ेगा क्या वक्ती भाई को? नहीं छोड़ेगा। ये हमला के बाद देता हूँ, फिर आप चेक कर लो। मेरे पास मत लो चेकिंग। ये लो हमला, लो चेकिंग दो हमला। चलो बहुत खतरनाक मार मारता है आसिम भाई। लो हमला पे चेकिंग लो। अरे वाह, अब विलायती को पलटा दिया था, इतना डेंजर है। अरे बहुत डेंजर है। अरे अभी अब्दुल्ला भाई के पास जाएगा, देखो लो लेके जाओ अब्दुल्ला भाई। चल भाई तू मेरा काम हो गया। लो चलिए अभी बोर दिखा देंगे एक बार। लो क्या डिटेल पे बोर? आसिम भाई ये चौथा दांत फ्रेश किया, अभी तीसरा चौथा। ये भी पालने लायक बच्चा है, ये भी पालने लायक बच्चा है आसिम भाई। और मिजाब भाई अपने है बोर, बोर किंग मिजाब भाई, बताएंगे डिस्क्राइब करेंगे। मिजाब भाई आओ मेरे बाजू में आ जाओ। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। कैसे आप मिजाब भाई? बस हमारी दुआ है। आपके मिजाज कैसे वो पूछो, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से है। आपका मयार कैसा है? मयार तो अभी घर पे आराम कर रहे हैं, सो रहे। सही है। तो क्या डिटेल पे रहेगा भाई? ये उस्ताद चार दांत निकाल रहा है अभी फ्रेश, चौथा दांत निकाल रहा है। ये एक साल पाल सकते हैं मिजाब भाई? हाँ पाल सकते हैं, अभी तो एकदम वो बचपन में ही है अभी तक। सही है, अभी तक उसका वो जवानी दिखाया नहीं है, मतलब अभी तक ये चाइल्ड ही अभी है ना। तो ये कैसे खुलते हैं अभी, है ना, ये उम्र में खुलेगा अभी? अभी तो खुलेगा, इसके और ज्यादा अच्छे से टेक केयर होएगा ना तो और अच्छा खुलेगा। पैर वैर का भी अच्छा है माशाल्लाह, इससे ना जो 4-6 दांत के बाद और अच्छे खुलते हैं। सही है। तो ये 100 किलो तक चले जाएगा पालेंगे तो इंशाल्लाह। बहुत प्यारा जानवर है। अभी इसका वेट कितना आ रहा है भाई? इसका वेट अभी आ रहा है आसिम भाई 70 केजी। और ये कितने में देना है अपने को? ये अपन 50,000 रुपीज इसका डिमांड कर रहे हैं। 50,000 रुपए? 50,000 इंशाल्लाह निगोशिएट करके दे देंगे। जो किसी भाई को चाहिए कॉन्टेक्ट करे, ठीक है। एक और आसिम भाई और लिया होगा जी, अभी उसका शो करने मना कर रहे हैं। अभी फार्म टूर में दिखा देना, बार बार नहीं दिखाएंगे उसको, तो अपन गीत बात दिखाएंगे इंशाल्लाह। या तो वैसे मैंने इंस्टा पे मेरे डाला हुआ है, इसको कोई देखेगा तो मैं बता दूंगा। तो आपका देखिए बहुत अच्छा हाथ बैठ गया बोर में, बहुत बड़ा बोर आपने खुद तैयार किया है ना, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है पूरे इंडिया में जो बोर आपके पास है। क्या बात है भाई। तो अब ये भी बकरे वैसे ही तैयार होंगे, अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह। अभी ये कौन सा है, पतीरा भाई है? भाई आसिम भाई पतीरा है। क्या डिटेल पे है? लेके जाओ इसको, ये बेटा मार देंगे बेटा जी। हमजा भाई तोड़ते हुए भागा है भाई।
माशाल्लाह, ये देखो इतना फुर्तीला बकरा है। हमजा भाई लेके आ रहे खेलते हुए उसके साथ। हमजा किया इसने वो भी तो बताओ। हमजा भाई को मालूम नहीं है कि वीडियो यहाँ शूट हो रही है, हालांकि बहुत दूर है। देखो किधर है लोग, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। फिर भाग गया, अभी हमजा भाई और गुस्सा हो जाएंगे। ये देखो 5 किलो वजन कम किया इसने हमजा का। देखो कितना दूर है, देखो हमजा भाई। अरे बाप रे, हंस रहे। 2 किलो कम हुआ हमजा भाई का, रोड पे से लेके आया उसको दौड़ा के। अरे अभी बहुत करीब आ गए हम जा भाई, फिर अभी वो काफी दूर दिख रहे हैं। हमजा भाई यही दिखाओ ये बकरा, अभी बहुत खतरनाक भागा उस तक। लेकिन उस वो तो खतरनाक भागा नहीं, मालूम नहीं, आप बहुत भारी भागे। अरे मैं नहीं भागता तो फिर बाकी मानना पड़ेगा बकरे की स्टेमिना। ये जो मौसम है ना भाई, बहुत गर्म है, उसमें देखो हाफा भी नहीं अल्लाह के हुक्म से। हाँ कब से बकरा अपने पास? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से अपने पास था। इसको भी आसिम में 6-7 महीने हो गए, 5-6 महीने, 5-6 महीने हो गए माशाल्लाह। क्या वजन आ रहा है इसका वकी भाई? ये 90 kg पे आसिम भाई, 90 kg अराउंड। ये एज अ ब्रीडर या कुर्बानी के हिसाब से? कुर्बानी भी 8-10 फ्रेश है आसिम भाई भी। हाँ नहीं 8-10 किया हुआ अपने इधर ही, 8-10 लगाया है। और सेट बकरा है? सेट बकरा है, प्रॉपर सेट बकरा है, खाली लेना है कुर्बानी करना है। सही है। और प्योर पतीला में है आसिम भाई बकरा। और क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी भाई? आसिम भाई डिमांड अपन बहुत रीजनेबल में देंगे। आसिम भाई का कोई अगर मोल भाव नहीं करेगा तो अपन ये बकरा दे देंगे आसिम भाई 47,000। जोड़ लो कितना क्या किलो चल रहा है, और पतीरा का लोग क्या मांग रहे हैं, और कस्सी हो गया क्या मांग रहे हैं। और ये 90 किलो का बकरा है, ठीक है, 47,000। हम जब अंदर चलेंगे अभी, चलो चलो फार्म का टूर कराओ। फार्म का टूर कराओ, वो नहीं थका मेरे को, थका देखो पूरी। अपन बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में इंशाल्लाह देंगे बकरे, 499 रुपीज केजी से बकरे। चलिए आइए, अभी हम लोग हमजा भाई आ चुके हैं फार्म के अंदर और एक टूर भी कराएंगे। लेकिन टूर के अलावा भी माशाल्लाह जो आपने बकरे पलाई पे भी रखे इस साल, तो अगले साल भी बकरे उतने ही पलाई पे रखने का इरादा है कि पलाई का काम कम कर देंगे? अगले साल पलाई का काम थोड़ा कम कर देंगे, जो जीनियन कस्टमर है उनके ही रखेंगे। तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम्स तो आसिम में आती है, कोई कस्टमर 2 महीना 3 महीना 4 महीना फोन ही नहीं उठाता है कोई कस्टमर। अच्छा, हाँ मतलब पलाई के जो पैसे होते हैं देने का। हाँ। थोड़ा आगे अच्छे कस्टमर्स भी आसिम है अपने पास, जो अपने को समझो 1 तारीख को पलाई होती है तो 29 को भी पैसा मार देते हैं, ऐसे कस्टमर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं लोगों के साथ अपन काम करना पसंद करेंगे। सही है। और अपन अभी जैसे कि अपन और बहुत बड़ी जगह पे जाएंगे कि इधर ही कंटिन्यू करेंगे? फिलहाल तो आसिम देखते हैं अभी इस बात का क्या है, क्या कुछ सिचुएशन है। चले तो अभी अगर अपने काम बड़ा करना हो, हो क्या रहा है ना, अभी सब पलाई पे बकरे भेज रहे हैं, भेज रहे, क्योंकि अभी ये नए नए बकरे आ रहे हैं मिजाब भाई, लोग खरीदते हैं। और अभी अपन असीम भाई पलाई का ले नहीं रहे, अभी फार्म सेट बकरे भी जो आ रहे हैं ना वो भी अपन फिलहाल अपने फार्म पे नहीं ले रहे। सही है, क्योंकि अपना लोगों का माल भी है, अपना खुद का भी माल है, डिस्टर्ब हो जाता है। सही है, वायरस आने का डर रहता है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी। अभी कुछ नहीं लिया तो भी मेरे 2-3 बकरे बुखार में आए, अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई अभी कैसे गर्मी का टाइम है तो फीड वही रखे हो के चेंज किया? फीड वही है, थोड़ी सी लाइट की गई। तो सुबह से क्या अभी आप चला रहे वैसे क्या बताइए? सुबह पहले आती है अपना फलकट जाती है, जो गवार कुट्टी रहती है उसमें चूनी मिक्स होती है, चूनी और भूसा मिक्स करके, तो वो सूखी चूनी होती है। हाँ सूखी चूनी डाल देते, सूखी चूनी होती है, उसके बाद पत्ती डालते हैं, फिर तो शाम में मिक्स फीड चालू होती है, उसके बाद फिर पत्ती डालते हैं। मेंढक को गिरी जाती है। और मिक्स फीड आप खुद बनाए हो के बोबरे की? खुद बनाते, खुद की बनाते हैं आप? सही है, अभी आई हुए मिक्स फीड का पूरा आज बनी हुई। तो आपका खुद का मतलब जो भी प्लान है वो हिसाब से बनाते हैं? हाँ ठीक है। गेहूँ है इसमें, जौ है, मक्का है, घोड़ा जीरा है, काफी सारा आइटम। और रात में चुनी नहीं दे रहे उस्ताद? मेंढक दिन में मेंढक को चुनी सिर्फ मेंढक को जाती है असीम भाई, और मेंढक को खड़ा दाना देते हैं? खड़ा दाना भी जाता है, दोनों चीज जाती है। मेंढक को दिन में चुनी जाती है, जैसा बकरों को फलकट और सुक्की चुनी जाती है वैसा मेंढक को गिल्ली चुनी जाती है। समझ गया। और बकरों को जो शाम में मिक्स फीड जाती है वही मिक्स फीड मेंढक को भी जाती है। आपकी सोच ऐसी है कि मतलब मेंढक चुनी पे ज्यादा बनते हैं? हां मेंढक चुनी पे ज्यादा बनते हैं। चलेगा, मेरी सोच के अलावा असीम भाई बनते ही है चुनी पे, ये अक्सर आजमाया हुआ। क्योंकि आप तो टेरिस पे ही पालते थे और आपने 100-100 किलो के भी मेंढे पालते थे, अपनी डेयरी थी अपन उस पे भी पालते थे, गीली चुनी पे ही मेंढे काफी तैयार। सही है। सो अभी कैसे खड़े दाने में भी अपने मेंढे है, रात में खड़ा दाना देते, खड़े दाने में मेंढा वेट देता है, बॉडी नहीं देता। अच्छा,
मतलब उसके बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, फैट नहीं देगा, पेट बाहर आ जाएगा, फिटिंग जो चाहिए ना वो फिटिंग है, अंदर से ठोस होएगा। सही है। और मिजाब भाई ने एक बकरा और अभी घर के लिए रखे, क्या वजन पे मिजाब भाई? अभी 125 किलो पे होएगा। तो इंशाल्लाह कुर्बानी के नजदीक एक शूट करेंगे अगर आपकी इजाजत है। इंशाल्लाह। चलिए आप अभी हमजा भाई आप आइए मेरे साथ, और फार्म का एक छोटा सा टूर दे देंगे इंशाल्लाह। को फ्रेल दे रहे हो क्या अभी भाई? हाँ। ये कैसा है प्रोडक्ट थोड़ा बताइए लोगों का? बहुत क्लास का प्रोडक्ट है सिंह भाई, ये तो अपन हाथ से नहीं दे रहे जी। ये हमारे बिलाल भाई बहुत बताते हैं, आप भाई को बताते हैं। अच्छा, ये बकरे इससे वॉश होते हैं। सही है। आइए, ये आपका बोर बकरा है ना उस्ताद? हाँ, वो जो अभी बोर बताए थे ना बाहर, ये आपका कोटा बकरा है? ये कोटा भी बताया अपन पहले वाली वीडियो में। ये भी अपने सब कोटा बकरा है? हाँ, ये भी एक गुलाबी कोटा में है, ये अपने एक भाई का है, उनको फॉर सेल करना है, अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह कांटेक्ट करो। क्या पेटी है, बहुत माशाल्लाह बच्चा है असीम भाई। ये वाला? ये भी चार दांत पर है, 70 kg, चौथा दांत तो अभी निकाल रहे। दो रस्सी से क्यों बांधे हो? सब वैसे ही बांधे हुए असीम, तो कुछ फायदा होता है इससे? कैसे, ये बकरा यहाँ मुंह नहीं डालेगा, यहाँ मुंह नहीं डालेगा, वो हिसाब से, और एकदम सुकून में है। हाँ, पंखा भी चालू है, पंखे वगैरह भी चालू है, एकदम फर्स्ट क्लास। आइए अभी बाहर चलते हैं और बाहर का एक व्यू दे रहे तो आपको मैं। ये हमारे अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पर, अमान भाई अब्दुल्ला भाई, दोनों भाई भाई। इसकी जगह चेंज कर दिया आपने? हाँ, ये आ गया बाहर बड़े केज में, पहले अंदर था मैं। हाँ, गर्मी में तकलीफ तो नहीं हो रही है वेट की वजह से? बेडरूम में एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसको बंगला चाहिए था। ये आपका बड़ा मेंढा है ना उस्ताद? हाँ, ये बड़े वाला मेंढा है। अंदर जाएंगे अभी? हाँ, चलो ना उस्ताद। खतरनाक वाला बड़ा हो गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद, बकरे तो बहुत है, मैं बोलूंगा एक बार विजिट करो फार्म पर। बहुत खतरनाक बकरे। ये वाला बकरा जो है ना असीम भाई, ए फिरोज भाई, फिरोज भाई दो मिनट बंद करो ना यार, वीडियो बन रही, दो मिनट मशीन बंद करो ना, बोलूंगा तब चालू करो। वाह, बहुत शानदार बकरे हैं ये। दोनों बिके हुए के है भाई देने के? कौन से वाले उस्ताद? ये दोनों अपने, ये दोनों है ना टॉम एंड जेरी, इनकी क्या कीमत कर रहा है ये असीम भाई? इनके अपन जोड़ी के बोल रहे हैं 63,000। 63, दोनों अच्छे तैयार हो गए माशाल्लाह। होम ब्रीड, एक बकरी ने इनके बच्चा दिया, फर्स्ट टाइम बकरी ने बच्चे दिया असीम भाई, और दो बच्चे दिए, एक मेल एक फीमेल, इनको भी अलग केज में रखा। हाँ, और ये ब्रीडर भी अपने ही पास है, अभी देखो वो पतीरा जो है अपना लास्ट वाला जो ब्रीडर है। अच्छा, इसका ही बच्चा? हाँ, वो लास्ट भी देना है ना अपने को? हाँ, ब्रीडर भी देना है। ब्रीडर किसी को चाहिए पतीरा तो कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह। बाकी यहाँ वायरस 2 भी है। ये गुजरी भी देने का? हाँ, गुजरी आसिम भाई तीसरा चौथा दादा भी निकाल रहा है फ्रेश, और 66-67 kg पर है इंशाल्लाह, वो भी देने का, कोई कांटेक्ट करो तो सही है, दे देंगे। अरे वायरस 2, वायरस 2 क्या पंच फेस, 6 दांत, 65 kg, ये भी देने का है? हाँ, ये भी दे देंगे। चलो आप, ये अपनी लास्ट वीडियो में बिक गया आसिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये भी होम ब्रीड है, देने का है? नहीं, ये अपने घर की कुर्बानी का बच्चा है इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए, इसके अंदर भी कुछ बकरे वो दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर भी एक से एक बकरे माशाल्लाह। अरे बेहतरीन बेहतरीन है।
ये कोटा बकरा देने का आपको, कोटा बकरा 80 किलो अराउंड है असीम भाई, वेट करके दे देंगे जो भी आएगा। बराबर, तो ये वजन पे दोगे नक पे दोगे? वजन पे दे देते। क्या रेट में देंगे आप? ये दे दो 499, 499 रुपए किलो। क्या बात है, कोटा का इतना जबरदस्त सिंगल असीम भाई, 499, 500 में 1 रुपया कम। फुल एग्रेसिव, अच्छी लेंथ का बकरा है माशाल्लाह। और इसके पीछे वाला बकरा, ये हैदराबादी है, ये अभी फिलहाल है अपने पास, ये भी देने का अपने को? हाँ, कोई रहेगा इंशाल्लाह तो दे देंगे, चलेगा। और कौन कौन से बकरे? 499 में नहीं है। ये मेवाती दे देंगे असीम भाई, ये देखो ये मेवाती लो 499। ये अंडू है, ये सब फार्म के पाले हुए बकरे हैं, कोई जंगल से नहीं आया, खस्सी है ये, पंच लेट पंच है, फुल पंच फेस में 499। दो दांत, रुक जाओ एक बार, दांत देख लो, तीसरा चौथा तोड़ा है अभी। बरबरा और मालवा, बरबरा कुर्बानी का अपने घर का, मालवा कौन सा मालवा उस्ताद? वाइट वो बिक गया मालवा, और बेंटम देने का है। बेंटम कितने में देने का अपने को? ये अच्छा वाला बेंटम है, ये बेंटम देंगे 22,000 रुपए में, 22,000 मोटे सिंह में चलेगा। ये तीन बकरे, वो ये तो अपने पास पलाई पर है, ये वाला कोटा छोटे वाला, ये अपनी लास्ट वीडियो में डाले थे, ये बिक गए। और ये काला वाला, ये काले वाला 499 ब्लैक पतीरा, ब्लैक पतीरा, लूट लो चानस। ये सब काफी टाइम से फार्म के पाले हुए, ऐसा नहीं आए 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना भर हुआ है, काफी टाइम से फार्म के पाले हुए। ठीक है, एक बार नंबर दे दो आपका, 777-00-20783। अब्बा का भी बोल दे, 8793-33-5662। आसिम भाई जी, एक बात बोलना चाहूंगा, सेट बकरे, फार्म के सेट बकरे ये रेट में कोई नहीं देगा। और आपके यहाँ पले हुए बकरे? पले हुए बकरे कोई नहीं देगा आसिम भाई, कहीं भी चले जाओ सेट बकरा फार्म का पला हुआ कोई नहीं देगा, जो बाहर से लाते हो दे देंगे। ऑलमोस्ट आसिम भाई देखो, बकरा भले अहमदाबाद गुजरात यहाँ वहां से जो आ रहे हैं, सब फार्म के ही बकरे आ रहे हैं, वो ट्रेवल करके आ रहे हैं आसिम भाई। सही है, ये तो यही पले, पर यही के सेट है, महाराष्ट्र क्लाइमेट के सेट बकरे, चले जाओ यहाँ के सेट बकरे कोई नहीं देगा ये रेट में आसिम। तो जिसको भी लेना फटाफट फोन करो, फटाफट कॉल करो, बुक करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।